जिलाधिकारी अनुज सिंह सीतापुर में चार संभालने के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार निरीक्षणों का दौर जारी है और कमियां मिलने पर कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। बड़ी कार्रवाइयां भी उनकी सामने आई हैं और आज उनका एक नया आदेश उन्होंने पारित किया है, जिसके बाद सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। क्या है वो नया आदेश और आज सिधौली का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने क्या बड़ी कार्रवाई की है? हम सीधे जुड़ते हैं आई इंडिया के एटन चीफ पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको बता दें कि जिला अधिकारी अनुज सिंह एक्शन मोड में हैं और वो जो यहाँ बीमार थे कार्यालय, उनका जो है बीमारी दूर करने के लिए वो स्वयं जो है भ्रमण कर रहे हैं। लगातार बहुत सारी कमियों से वो रूबरू हो रहे हैं, बहुत सारी खामियों को वो दूर करने में जुटे हुए हैं जिलाधिकारी। इस बीच जिलाधिकारी का एक नया फरमान आया है, जिस फरमान के बाद निश्चित तौर पर कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परेशानी आने वाली है, क्योंकि सीतापुर के कई विभाग इस मामले में कुख्यात रहे हैं कि वो प्राइवेट लोगों को रख कर वहां पर कार्यालयों में काम कराते हैं। अब ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की खैर नहीं है। जिला अधिकारी अनुज ने एक नया फरमान जारी किया है, सभी जितने कार्यालय के समस्त जिलाधिकारी हैं, जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनके लिए खासकर यह फरमान है। इसके अलावा जो विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ये आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में उदय आपको बता दें कि जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए कहा गया है कि प्राइवेट व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, निरीक्षण के समय यह भी देखा गया है कि बिना मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री किए ही अधिकारी कर्मचारी अपने पटल से गायब रहते हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसी शासकीय कार्य से बाहर गए हैं या अनुपस्थित हैं। इसलिए जिला अधिकारी ने नया फरमान जारी कर अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि समस्त कार्यालयों में किसी भी पटल पर कोई प्राइवेट व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। फील्ड में कार्य हेतु जाने वाले समस्त अधिकारी कर्मचारी अपना मूवमेंट रजिस्टर बनाएंगे तथा बिना मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री किए कार्यालय समय में अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि अधोस्थापित अथवा अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी कार्यालय में कार्यकर्ता पाया गया, मतलब कार्यकर्ता हुआ पाया गया, अथवा कोई अधिकारी कर्मचारी बिना मूवमेंट रजिस्टर में एंट्री किए अपने पटल पर अनुपस्थित पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक नए तरीके का फरमान उन अधिकारियों कर्मचारियों के लिए है जो बिना सूचित किए पटल से गायब रहते थे, उनके पटल पर प्राइवेट व्यक्ति काम करते थे। एक बड़ी बात निकल करके आई है। वैसे भी आपको बता दें, सीतापुर इस मामले में कुख्यात रहा है। यहाँ पर जो है शिक्षक अपनी जगह पर दूसरों से नौकरी कराए पाए जा चुके हैं। कई कार्यालयों में दलालों का बोलबाला है, समानांतर दलाल सरकार चला रहे हैं। क्या बैंक, क्या कार्यालय, तमाम तरीके के कार्यालय, एआरटीओ तो कार्यालय इसलिए विख्यात ही है, इसके अलावा अगर बात करें विकास भवन हो या ब्लॉक के कार्यालय हो या फिर अन्य जिला स्तरीय कार्यालय, वहां पर अभी भी दलालों का बोलबाला है। जिलाधिकारी की सख्ती निरंतर जारी है। यह सख्ती कितनी कारगर होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जिलाधिकारी अनुज सिंह का नया फरमान निश्चित तौर पर अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने वाला है, क्योंकि वो अभी तक जिस तरीके से प्राइवेट लोगों को पालकर काम कराते थे, अब वो काम उन्हें जो है नहीं करना होगा, क्योंकि जिला अधिकारी की नजर उन तक है। लिखा पढ़ी में लिखित आदेश इस तरीके का जिलाधिकारी ने जारी किया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनके लिए दिक्कत पैदा होने वाली है। दूसरी उदय, हम आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि लगातार अनुज सिंह जिला अधिकारी ने जिस दिन से कार्यभार संभाला है, उन्होंने सबसे पहले जिला अस्पताल का मुआयना किया था, उसके बाद महिला जिला अस्पताल भी, उसका भी मुआयना किया,
जिले के अधिकारियों के साथ लंबी चौड़ी बैठक कर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया था। फिर वो फील्ड पर निकले हुए थे, कसमंडा ब्लॉक, अन्य जगहों का उन्होंने कई स्थानों का निरीक्षण किया, उनके निरीक्षण जारी हैं, बहुत सारी फीडबैक और बहुत सारे हालातों से वो रूबरू हो चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। आज उन्होंने सिधौली जो है तहसील का जब निरीक्षण किया, आपको बता दें वहां लंबित पड़ी पैमाइशों में आख्या न होने पर नाराजगी जताई और तहसीलदार आरपी सिंह से जवाब तलब किया है। तो सिधौली के तहसीलदार हैं आरपी सिंह, जिनसे निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी अनुज सिंह ने जवाब तलब किया है, ये बड़ी जानकारी है। न्यायालय के पेशकार अवध कुमार शर्मा को कार्य में लापरवाही पर चेतावनी दी गई है। तो ये दो कार्रवाइयां निकल करके आई हैं अभी तक। यह भी कहा जा रहा है कि जनता को ईमानदारी से न्याय मिलना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। पीएम आवास में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन अपात्रों को आवास आवंटित किए गए हैं उन प्रधानों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही धनराशि की वसूली अपात्रों से की जाए। तो आएंगे अपार, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ये सीतापुर वो सूबा है, सूबे का जिला जहां पर सर्वाधिक पीएम आवास मिले हैं। ऐसे में जिला अधिकारी का नया निर्देश कि जहां भी अपात्रों को आवास आवंटित किए गए हैं उन प्रधानों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, साथ ही धनराशि की वसूली अपात्रों से की जाए, ये बड़ी कार्रवाई की मूड में जिलाधिकारी नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये निर्देश पर कितना अमल होता है यदि आगे पता चलेगा। फिलहाल कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने आज जिला उद्योग बंद समिति एवं सिंगल विंडो की बैठक भी की, जिसमें जो एजेंडा था बिंदुओं की समीक्षा उसकी की गई। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को गैर हाजिर रहने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को गैर हाजिर रहने पर नोटिस जारी जो है की गई है। हालांकि आज ऊर्जा मंत्री भी सीतापुर दौरे पर थे, उनका नैमित सारायण कार्यक्रम था, अधिशासी अभियंता नैमित सारायण जाने बताए गए हैं। फिलहाल जिला अधिकारी एक्शन मूड में है, उनका नया फरमान और पीएम आवास को लेकर उन्होंने नए दिशा निर्देश दिए हैं। तो तमाम ऐसे कार्रवाइयां जो अब धीरे धीरे जिला अधिकारी समझ रहे हैं और कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो लापरवाह हैं, जो भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं, उनके लिए फिलहाल अच्छे दिन रहने वाले नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिलाधिकारी अनुज सिंह लगातार एक्शन मोड में हैं, लगातार वो कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, जहां जहां कमियां मिल रही हैं निर्देश भी दे रहे हैं खामियों को दुरुस्त करने के। और जो सीतापुर का सरकारी सिस्टम है, नौकरशाह है जो सीतापुर का, उसको जो है उसकी ओवर हालिंग करने में जुटे हुए हैं लगातार, वो फील्ड पर भी निकल रहे हैं। तो आई इंडिया ने ये आज की बड़ी खबरें, जिलाधिकारी ने जो बड़ी कार्रवाइयां की, जो आदेश जारी किया, आप तक पहुंचाई। दर्शकों से अनुरोध है कि सीतापुर से लेकर यूपी की हर छोटी बड़ी खबर घर बैठे अपने मोबाइल में पाने के लिए आई इंडिया को सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक करें और कमेंट भी करें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।